This news is brought to you by La Montessori Chain of Schools Grooming Students to Excellence. शुक्रवार को करुणामूलक संघ की जिला बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि नौकरी बहाली के लिए करुणामूलक संघ द्वारा नई रणनीति बनाई जा रही है, जिसे 15 फरवरी से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए करुणामूलक संघ द्वारा सभी जिलों में बैठक आयोजित की जा रही है, जिसकी तीसरी बैठक आज मंडी जिला में आयोजित की गई और करुणामूलक सदस्यों के इसमें सुझाव भी लिए गए। बताना चाहता हूं कि आज करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश की तीसरी बैठक जो है वो जिला मंडी में संपन्न हुई और हम मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश के अनुसार जो है हम आगे इस एजेंडे को जो है हम हर एक जिले में सबके सुझाव ले रहे हैं, ताकि जो भी हमने एक करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए एक बीज का रास्ता जो तैयार किया है, एक फार्मूला तैयार किया है, उसको हम सरकार के समक्ष 15 फरवरी से पहले जो है सरकार के समक्ष रखें और ताकि सब परिवारों को जो है मुफ्त नौकरियां मिल सकें। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करता आया है और 432 दिन की जो क्रमिक भूख हड़ताल जिला शिमला में पूर्व सरकार के समय की गई थी, वो भी इन्हीं परिवारों के द्वारा की गई थी और उस दौरान हमारे 5000 के आसपास प्रमुख केस पेंडिंग थे और 5000 में से लगभग 2000 के आसपास परिवारों को जो है नौकरी मुहैया मतलब प्रदेश के सरकार के द्वारा करवाई गई, लेकिन अभी भी जो है 3000 का आंकड़ा अभी भी पेंडिंग बचा हुआ है। हम पूर्व सरकार से गुहार लगाते रहे कि बिना किसी शर्त के जो है सब परिवारों को नौकरियां दी जाएं, लेकिन पूर्व सरकार उसमें नाकामयाब रही और साथ में ही जो है पूर्व सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और इस समय जो है कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है। और हम यही चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथ वायदा किया है कि सब परिवारों को जो है बिना किसी शर्त के नौकरियाँ मुहैया करवाई जाएंगी, हम उसी एजेंडे की तरफ जो है सरकार की तरफ रुक कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार उस वायदे को जो है अब जमीनी स्तर पर धरातल पर उतारे और जितने भी हमारे 3000 के आसपास के स्पेंडिंग है सब परिवारों को जो है एक मुफ्त नौकरियां मुहैया हो सकें, ताकि आने वाले समय में अगर किसी भी कर्मचारी की, चाहे वो किसी भी सेवा में कार्यरत है, किसी भी कर्मचारी की एक समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में से किसी न किसी एक मेंबर्स को जो है एक नौकरी के माध्यम से जो है एक राहत मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार हम लगभग 200 या 250 के आसपास स्टैंड के मतलब के माध्यम से हम मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे एक मतलब कि सुझाव दिया था कि जल्द से जल्द आप पूरा हर एक जिले में सर्वे करें और साथ में ही उस सर्वे में जितने भी परिवार हैं उनके जो सुझाव हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एजेंडा तैयार करें और उस एजेंडे को जो है 15 फरवरी से पहले जो है सरकार को सौंपे, ताकि प्रदेश सरकार जो है इस एजेंडे के लिए जो है स्पेशल करुणामूलक आश्रितों के लिए प्रावधान कर सके और उसी एजेंडे की तरफ जो है हम रुख कर रहे हैं और आने वाले समय में हम 15 फरवरी से पहले जो है सरकार को ये एजेंडा देंगे ताकि सरकार बजट में हमारे लिए कुछ प्रावधान जो है कर सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।